हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पिंपळकर एकेडमी और मैं हूँ हर्षा पिंपळकर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं भारतीय दर्शन, यह इंडियन फिलॉसफी, जिसमें आज का जो मुख्य टॉपिक है हमारा वो है उपमान के बारे में। जी हाँ, उपमान एक प्रमाण है, जिसमें न्याय दर्शन में जो चार प्रमाण की वो ये बात कर रहे हैं उसमें से उपमान एक महत्वपूर्ण एक प्रमाण के रूप में उन्होंने एक मान्यता दी थी। जिसमें न्याय दर्शन में चार प्रमाण के बारे में तो उन्होंने मान्यता दी ही थी, लेकिन उपमान किसे कहते थे? उपमान यानी दो वस्तुओं में क्या होनी चाहिए, उनकी तुलना होनी चाहिए, यानी उनकी क्या होनी चाहिए, कंपैरिजन होना चाहिए, उसी को उन्होंने क्या कहा है, उपमान के रूप में यहाँ पे संज्ञा दी। तो हम कहते हैं कि अगर राम अगर होशियार है, ब्रेव बॉय है, तो श्याम भी क्या है, ब्रेव बॉय होने के साथ साथ क्या है, वो बलशाली भी है। तो यहाँ पे इंडियन फिलॉसफी में मनुष्य की तुलना नहीं की गई है, तो हमने एक उदाहरण तौर पर हमने बताया है, लेकिन इंडियन फिलॉसफी में यहाँ प्राणियों की तुलना हो रही है, तो उसी को उपमान कहा जाता है। और ये महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है फ्रेंड्स आज की इस वीडियो लेक्चर में। तो हमने कहा देखा कि उपमान किसे कहते हैं, तो उपमान यानी तुलना करना, दो वस्तुओं में जब हम तुलना करते उसी को यहाँ पे क्या कहा गया है, उपमान कहा गया है। तो यहाँ पे जो न्याय दर्शन चार प्रमाण के रूप में इन्होंने जो स्वीकार किया था, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, इसमें जो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है वो उपमान के बारे में है। तो न्याय सूत्र के अनुसार उपमान वह प्रमाण है जिसके द्वारा हम किसी प्रसिद्ध वस्तु के सादृश्य यानी साधम्य से किसी नई वस्तु का ध्यान प्राप्त करते हैं। यानी यहाँ पे एक वस्तु दी गई है, तो उसमें से हम क्या करते हैं, एक नई वस्तु की यहाँ पे ध्यान प्राप्त जो होता है उसी को यहाँ पे उपमान कहा गया है। तो उपमान में जो सादृश्यता के प्रत्यक्ष के जो नाम दिए गए हैं, एक है उनको नाम भी कहा जाता है, नाम को यहाँ पे संज्ञा के रूप में देखा गया है और दूसरे को नामी के रूप में देखा गया है, उसी को क्या कहा जाता है, संज्ञी कहते हैं। जी हाँ, नाम और नामी को ही यहाँ पे या का संबंध जो स्थापित होता है वो ध्यान करने वाले प्रमाण के रूप में यहाँ पे उपमान का यहाँ पे रूप दिया गया है। तो यहाँ पे हम देख यहाँ पे जो अगर उदाहरण तौर पर यहाँ पे देखा जाए, तो हम कहते हैं कि हमने कभी भी नील गाय नहीं देखी है। नील गाय यानी जो नीले रंग की गाय होती है, मैंने भी नहीं देखी है आज तक। तो हम क्या कहते हैं कि नील गाय तो नहीं देखी है, लेकिन हम और कोई अन्य व्यक्ति उसे बतलाता है, जब हमें कोई बोलता है कि नील गाय ऐसी ऐसी है, यानी उसके बारे में जो भी व्यक्ति हमें उसका हम सुनते हैं या किसी कोई व्यक्ति हमें उसका वर्णन कर देता है, तो हम अगर कहीं घूमने फिरने चले गए तो हम वो क्या कहें, हम क्या कहेंगे, जी हाँ हमने तो नील गाय तो नहीं देखी है, लेकिन गाय के समान वो होती है, ये हमने क्या होते हैं, सुनना रखा होता है। तो इसीलिए जब हम जंगल में गए तो हमने नील गाय को देख कर उस व्यक्ति के कथन को याद करते हुए, तो हमने गाय से उसका सादृश्य देखते हैं, तब अर्थात वह नील गाय के ही समान हमें दिखाई देती है। जो हमारी काऊ होती है नील गाय के समान ही हमें क्या होती है, उसकी सादृश्यता, उसके रूप का हम क्या करते हैं, जो बखान किया था किसी और ने, तो उसका हम क्या करते हैं, उसका कंपैरिजन जब हम करते हैं तो उसके ही समान हमें उसकी क्या होती है, प्रतीति होती है। तब उससे यह ज्ञात होता है कि यही तो नील गाय है जिसका वर्णन उस व्यक्ति ने हमें क्या किया था। तो गाय के समान ही उसकी क्या करते हैं, हम नीलगाय के तौर पर उसकी तुलना करते हैं। तो न्याय मत इसी को उपमान के रूप में यहाँ पे स्वीकार करते हैं। यह अन्य प्रमाणों की भांति ही एक क्या है, एक स्वतंत्र प्रमाण के रूप में न्याय ने यहाँ पे प्रस्तुत किया था। जैसे कि वह हमने गाय की एक जब तरह के एक पशु हमें दिखाई देता है, तो हमें ज्ञात होता है कि एक नील गाय के समान ही वो क्या है, एक क्या है, प्राणी है, प्राणी के रूप में हम उसका वर्णन करते हैं। तो इसी को उन्होंने उपमान के रूप में यहाँ पे
हमें बताया है। तो किसने? न्याय दर्शन में। तो न्याय दर्शन में चार प्रमाण के बारे में यहाँ पे स्वीकार किया गया, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द के बारे में। तो उन्होंने आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें उपमान के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी थी फ्रेंड्स। तो उपमान यानी क्या होता है? एक वस्तु से दूसरे वस्तु की यहाँ पे क्या होनी चाहिए? तुलना होनी चाहिए। उसी को यहाँ पे क्या कहा गया? उपमान यहाँ पे कहा गया है। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।